आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज महिलाओं का ये धरना आंदोलन जो किया जा रहा है तहसील ऑफिस के सामने, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई जो अब आवाम के ऊपर बढ़ती हुई महंगाई का इतना ज्यादा बोझ पड़ चुका है कि आम जनता खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो चुकी है। आज का ये हमारा धरना आंदोलन जो है तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम, ये डीजल और पेट्रोल का जो दाम का आंकड़ा है वो 100 के पार हो चुका है। आज जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, जब हमारा 50 और 55 में डीजल पेट्रोल के दाम हुआ करते थे, आज उसकी कीमत डबल हो चुकी है। इसका बोझ हमारी आम जनता पर पड़ रहा है। उसके कारण जब ये डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ों के, दूसरी अशियाओं के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जिसका बोझ जो है अब गरीब आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो खुदकशी करने पर मजबूर है। आज हमारे घर जितनी रसोई गैस, आज हमारी, आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि बीजेपी सरकार ने जो जो वादे किए थे कि घर घर गैस सिलेंडर वो मुफ्त देने वाले हैं, आज आप लोग बताइए कि जब कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार थी, यूपी की सरकार, यूपीए सरकार के दौर में ये सिलेंडर के दाम 400 450 हुआ करते थे। आज जो उनके दाम 900 950 आज की तारीख में, आने वाले महीने से उस सिलेंडर के दाम जो है तो वो 1200 से 1300 रुपए में वो एक सिलेंडर मिलेगा। तो मुझे आप बताइए कि गरीब आवाम के ऊपर ये बोझ कितना ज़्यादा, ये बोझ पड़ चुका है जो आवाम अब बर्दाश्त कर रही है, बाकी आवाम के अंदर आज का यह धरना आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है कि आटा दाल, आज मुझे तेल के दाम देखिए 200 के पार है, वो 200-250 रुपए किलो मीठा तेल। आज दालों के दाम देखिए, आज जो महंगाई का जो आंकड़ा है यानी बहुत ही ऊपर के लेवल पर जा चुका है, और इस महंगाई के, इस अब ये महंगाई बीजेपी सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी क्योंकि अब आवाम जो है वो जागरूक हो चुकी है। यूपीए सरकार का दौर देखिए, हमारी सरकार थी तब ना तो महंगाई थी और ना तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने बड़े थे, महंगाई भी इतनी थी, महंगाई थी ही नहीं कि आवाम का इनकम का बोझ पड़ता। ये आज का धरना आंदोलन हमारे को रसोई गैस के दाम जो 450-450 के इतने ही चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम जो पहले थे 50 और 55 में दिया जाता था, उतने ही दाम हमें अभी भी चाहिए। हम इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज का धरना और आंदोलन कर रहे हैं। इधर देखो, इधर हो गया रे भैया।